विपक्ष में है वो आज की तारीख में ऐसे बता रहा है कि हम सरकार में हैं। नहीं, आपका इंस्ट्रूमेंट म्यूट पर है सर। आनंद जी क्षमा करिएगा, जो पहली पंक्ति आपने कही वो बड़ी दिलचस्प है और अभी मैं अपने दोनों वरिष्ठ संपादकों को सुन रहा था, ड्यूअल मेंबरशिप की बात कर रही थी, तो मुझे उन दोनों की बात सुनकर यही समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी को जब सत्ता या विचारधारा चुनना होता है तो वो विचारधारा का चुनाव करती है और सत्ता को त्याग कर देती है। जो इन्होंने उदाहरण दिया जनता पार्टी सरकार की 1977 के समय, और वो फजूल की बात थी, उस समय ड्यूअल मेंबरशिप की बात जरूर हुई थी पर आरएसएस की कोई मेंबरशिप नहीं होती, आप सबको पता है आरएसएस में चार आने का कोई पर्ची नहीं कटता कि उसकी सदस्यता रिन्यू होगी। आरएसएस तो मोहन भागवत ने 2000 अभी कुछ जब यहाँ विज्ञान भवन में 3 दिनों की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब साफ स्पष्ट रूप से कहा था ये बहता हुआ नदी है, जिसको मन हो गोता लगा लो और जब मन हो निकल जाओ। तो संघ को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को समझने के लिए दोनों को बहुत गहराई से समझने वन लाइनर आया, सतीश जी कह रहे हैं आहा इसीलिए लगता है नड्डा जी निकल लिए बीच में अभी। नहीं, नड्डा जी कहाँ निकल लिए, नड्डा जी के बारे में मैं बताऊं आपको कि नड्डा जी जब परसों पहुंचे तो कार्यकर्ता की तरह काउंटर पे गए, प्रवेशिका भरी, कक्ष निर्धारण लिया और अपना सामान उठा के कक्ष में गए। ये है संघ के संस्कार, ऐसा नहीं था कि उनके साथ कोई व्यक्ति था, उनको एक कार्यकर्ता दिया गया जो उनके कक्ष तक उनको पहुंचा के चला है। आनंद जी मैं ये कह रहा था कि बीच चुनाव में सदस्य रहे या न रहे, पानी में है नदी में है कि महासागर में है, बीजेपी को महासागर बना दिया, ऐसा उन्होंने क्यों किया और पिछले 2-3 दिन से आरएसएस सरनम गच्छामी कर रहे हैं। नड्डा जी से प्रश्न पूछना चाहिए आपको, ये प्रश्न का उत्तर तो जेपी नड्डा जी दे सकते हैं, मैं तो दे नहीं सकता। ये है ना, तो नड्डा जी ने क्यों दिया ये प्रश्न उनका देगा, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार, और अभी आपके प्रोग्राम में मैं देख रहा था जो प्रशांत किशोर बात कह रहे थे ना कांग्रेस के स्तर के कंडीशनिंग की, तो हम सब की कंडीशनिंग, सोच की कंडीशनिंग वही उसी प्रकार से हुई है जिस प्रकार से कांग्रेस रिएक्ट करती है। हम भारतीय जनता पार्टी और संघ को भी उसी लिहाज से व्याख्यायित और प्रतिस्थापित करने का प्रयास करते हैं जिसमें हम बुरी तरह से फेल हो जाते हैं। संघ और भारतीय जनता पार्टी का संबंध नाभिनाल से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ संगठन है। अरे आप भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से समझिए कि जो संघ का प्रचारक है वो भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त सर्वोच्च नेता है। आनंद जी ऐसा होता है कि जब जब क्या कहते हैं मैदान में कोई जख्मी होता है, मैं एक बात बोलूं आप बोले मैदान में अगर हाँ बस ये एक लाइन बहुत जरूरी है, ठीक है बोल दीजिए। देखिए अम्बेडकर जी का जो आज बयान आया है ये पहली बार आरएसएस के किसी व्यक्ति ने स्वीकार किया है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच सम इश्यूज, कुछ इश्यूज हैं, फैमिली ही सुलझा लेंगे, लेकिन ये पहली स्वीकारोक्ति है, नंबर एक। नंबर दो, उसमें उन्होंने ये भी कहा है अम्बेडकर जी जो उनके आइडियोलॉग जो स्पोक्सपर्सन है कि हम तय करते हैं कि भाजपा में कौन प्रचारक जाएगा। तो वो जो संघ ने आज सुप्रीमेसी दिखाने का प्रयास किया है ये एक बड़ी चीज हो गई। रामकृपाल जी, सतीश जी मुझे लगता है कि सतीश जी मुझे लगता है कि आपने सुनील अम्बेडकर जी का भाषण ठीक से नहीं सुना। आनंद भाई एक लाइन देखिए, ये जो सतीश जी कह रहे थे बात ये सही है, लेकिन हकीकत बता दूं आपको, जब दोहरी सदस्यता पर भारतीय जनता यानी तब के जनसंघ ने सत्ता को मतलब अलविदा कह दिया, उसके बाद एक मंथन हुआ था। ऐसा नहीं डिफरेंस नहीं होते हैं, उस समय यह था कि गांधीवादी समाजवाद, बीजेपी का एक तबका कह रहा था कि गांधीवादी समाजवाद की तरफ हमें चलना है, दूसरा तबका था कि हमें अपनी मौलिक विचारधारा पर नहीं, पर रामकृपाल जी आप ले जा रहे हैं हमको अतीत में। मैं देखना चाह रही हूँ एक सेकंड भविष्य, 30 सेकंड में आनंद जी आप अपनी बात फिनिश कीजिए, मेरे 3 और मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मैं रूबीटा जी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सुदर्शन जी और अटल जी के जमाने का संघ और भारतीय जनता पार्टी को अगर मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के संघ से तुलना करेंगे तो हमारा जो जजमेंट होगा या हमारा जो निष्कर्ष होगा वो गलत हो जाएगा। तो वो तो अलग है ना सर, वो उस पैमाने पर कैसे आप फिर तो कांग्रेस को अगर आपको देखना है तो फिर
महात्मा गांधी के पर्सपेक्टिव से देखना होगा। मैं वही तो देख रहा हूँ कि अभी जो आपके साथ पैनल में स्टूडियो में बैठे हैं हमारे दो वरिष्ठ साथी, वो अतीत के आधार पर वर्तमान का आकलन कर रहे हैं। कैसे चलेगा भाई? वर्तमान के आधार पर, अतीत के आधार पर कैसे? आप वर्तमान के आधार पर भविष्य को कीजिए ना। सुनिए सुनिए नंद जी, अभी वर्तमान के आधार पर भविष्य देख रहा हूँ और वर्तमान ये देख रहा हूँ कि जितना सुदर्शन जी और अटल जी आपस में लड़े हुए थे, शायद कुछ दिन पहले तक ये जो अपने मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी जी उतना नहीं लड़े हुए थे, लेकिन बीच चुनाव में ऐसा नदी से महासागर, महासागर से नदी वाला काम हुआ कि सब चीज उल्टा पुल्टा हो गया। तो इसके आधार पर जो है भविष्य ही देख रहे हैं हम लोग। भविष्य अतीत मतलब, क्या अतीत मतलब, तो कुछ है नहीं, छोड़ दीजिए। अतीत के आधार पर तय मत कीजिए, वर्तमान के आधार पर कीजिए। आरएसएस आज कह